पेट्रोल डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ी है, तो वहीं आम जनता पर कहीं ना कहीं भारी असर इसका पड़ा है। और लगातार पेट्रोल डीजल दवा घरेलू वस्तुओं की चीज़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर आम जनता ने सरकार से मांग की है कि महंगाई को कम किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के यहाँ की जनता से बात करते हैं कि क्या असर पड़ा है उनकी जेब पर, उन पे कितने खर्चे आ रहे हैं। और देखिए कि चाहे वो दवा हो चाहे वो शिक्षा से हो, महंगाई एकदम आसमान पे है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से कैसे क्या मतलब आपको महंगाई किस रेट। भैया 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, परसों 103 रुपये था, कल 104 रुपये हो गया, आज 105.50। अब क्या हो गया 105 रुपये? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। चुनाव के 2 महीने पहले लगातार रेट बढ़ाते बढ़ाते 85 से ये लोग 110 तक ले गए, अचानक से 15-12 रुपए कम करके जनता की सिंपैथी ले लिए, देखो हमने पेट्रोल 95 पे ले आया है। ये नहीं बताया कि 85 जो पहले था उससे 95 पे बढ़ा ही चुके हैं हम जी। तो आप पेट्रोल ठीक है, दाम के और जब से सरकार बनी है, जब से सरकार बन गई 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और कर्नाटक, जब से 4 जगह सरकार बनी है उसके बाद से पर लगातार दाम बढ़े ही जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के वार की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अरे ठीक है भाई, 2009 में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी, 158 रुपये प्रति बैरल था, लेकिन कांग्रेस ने तब भी 72 रुपये मेंटेन करके रखा था। अब ये लोग तो सारा हम ही से वसूल ले रहे हैं भाई, कहाँ जा रहा है जी। रसोई गैस देखिए, 1.25 हज़ार हो गया। मैं 4 महीने पहले रसोई गैस लेने जाता था 762 रुपये था, अचानक से 862 हुआ, 925 हुआ, 950 हुआ, 965 हुआ, आज 1000 पार कर चुका है। ये क्या हो रहा है, मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें जी। तो आप देखिए लगातार महंगाई को बढ़ते हुए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक महिला है, इनसे पूछते हैं कि चाची क्या रहा महंगाई, कैसी चल रही दवा पानी खर्चा, मतलब ये बच्चों की शिक्षा को लेकर जो लगातार दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगी आप? सब ठीक चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए हमारे साथ एक भाई साहब आए हैं, भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि महंगाई किस दौर में है और किस दौर में शिक्षा हो या दवा हो या फिर अन्य वस्तुएं हो, किसके लिए जेब पर कितना खर्च पड़ा है? महंगाई तो भैया बहुत चल रही है इस समय, पेट्रोल डीजल का दाम देख ही रहे हो आप, उसमें क्या कहना है जी। आपको शिक्षा और दवाओं को लेकर भी दाम बढ़े हैं? हाँ दाम बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर तो सही हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत महंगाई तो है ही उसके चलते। तो महंगाई बढ़ी है और कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान है। अब इसी बीच आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ पे और कुछ लोग खड़े हैं जिनसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर क्या है, मतलब ये महंगाई है क्या चल रहा है, कितने खर्च आ रहे हैं आप पे या आपके जेब पे? मेरा कोई खर्च नहीं आ रहा, मैं स्टूडेंट हूँ, जो आ रहा पापा पे आ रहा, बस ये पैसा आ रहा है ना। महंगाई है सौ का भैया, महंगाई है जी बिल्कुल है जी, फिर महंगा हो गया पेट्रोल जी। आप जैसे दवा हो गई, शिक्षा हो गई, इन पे भी महंगाई का असर है? हाँ बिल्कुल है जी।